बारे में सीखते हैं, क्रमचय एवं संचय। फैक्टोरियल एन लिखा हो, फैक्टोरियल के अंदर जो भी लिखा है उससे कॉमन लेंगे एन, तो अंदर आएगा एन माइनस वन। यदि एन माइनस वन कॉमन लेंगे तो उसमें आएगा एन माइनस टू फैक्टोरियल। एन एन माइनस वन, एन माइनस टू कॉमन लेंगे, एन माइनस टू कॉमन लेंगे तो फैक्टोरियल एन माइनस थ्री। और इसी प्रकार जो है कॉमन लेने के बाद में एक एक वैल्यू कम होता जाता है। फैक्टोरियल एन की जो वैल्यू होगी वो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन डॉट 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 लास्ट में एन तक आएगा। अब हम लोग जो है क्रमचय संचय के बारे में सीखते हैं कि क्रमचय और संचय के फॉर्मूले होते क्या है। ठीक है, जो अब क्रमचय संचय होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्रमचय, क्रमचय का जो फॉर्मूला होता है एन पी आर, और संचय का फॉर्मूला होता है एन सी आर। एन पी आर की वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन अपान में एन माइनस आर, और एन सी आर की वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन अपान में फैक्टोरियल आर और इन ब्रैकेट में एन माइनस आर। तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी क्वेश्चन दिया जाए वो फॉर्मूला ही लगाया जाए, हम लोग डायरेक्ट इसके एक्सप्लेनेशन सीखेंगे कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन है 10p3। अब p है तो फॉर्मूला ये वाला यूज होगा फैक्टोरियल 10 और अपान में फैक्टोरियल 10 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करना है तो फैक्टोरियल 10 अपान में फैक्टोरियल 7। ऊपर से 10 कॉमन लेंगे तो 9 बचेगा, 9 कॉमन लेंगे तो 8 बचेगा, 8 कॉमन लेंगे तो फैक्टोरियल 7 बचेगा, और ये कैसे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल इसकी वैल्यू 10 इंटू 9 इंटू 8 आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई 10p3। सो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये है कि इसको हम डायरेक्ट कैसे ये एक लाइन में ये कैसे लाएंगे। यानी 10p3 की जो वैल्यू है वो इतने स्टेप ना कर सीधे डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे हम लोग वो सीखते हैं। 10p3 ये 3 लिखा हुआ है और ये 10 लिखा हुआ है। n की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू कितनी है 3। यानी 10 को 3 स्टेप नीचे ले जाएंगे, 10 को 3 स्टेप नीचे ले जाएंगे, 10, 9 और 8। समझिए क्या है, दूसरा एक एग्जांपल 10p2, 10 को 2 स्टेप नीचे ले जाएंगे, 10 इंटू 9 कितना 90, ये इसकी वैल्यू आ गई। 12p3 इसकी वैल्यू निकालनी है, 12 को 3 स्टेप नीचे ले जाएंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10, 12 इंटू 11 होता है 132, इंटू 10 करेंगे कितना आएगा 1320। कोई वैल्यू कैलकुलेट करना हमें जो है, कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करना 6p3 कैलकुलेट करना है तो 6 को 3 स्टेप नीचे, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 × 5 = 30 इंटू में 4, 3 × 12 = 120, ये 6p3 की वैल्यू आ गई। तो देखिए इसमें कि p की वैल्यू कितने आसानी तरह से हम लोग ने कैलकुलेट कर ली जो है, इसी प्रकार हम लोग c के बारे में भी जो है सिंप्लीफाई बड़ी आसानी तरीके से सीखते हैं। पहले से नोट करिए फिर c के बारे में।